हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेकर। और आज का जो वीडियो है इसमें हम सभी प्रकार के फॉर्म दिखाएंगे आपको, कितने प्रकार के फॉर्म हैं और उसकी क्या खासियत है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। ये पहला है आपका HR फॉर्म। ये जो है हाई रेजिडेंस फॉर्म है। ये इसका आपका बैकअप बहुत अच्छा रहेगा। ये 40 डेंसिटी का HR फॉर्म है और इसका बैकअप बहुत अच्छा रहेगा। इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है, लाइफ इसका ज्यादा रहेगा आपका। इसको HR फॉर्म बोलते हैं। ये आपका मेमोरी फॉर्म हुआ। ये जो है मेमोरी फॉर्म, इसका जो रेजिलेंस है वो स्लोली है, मतलब जो बैकअप आएगा ऊपर वो स्लो आएगा। ये बहुत स्लो आता है, ये मेमोरी फॉर्म हुआ। ये आपका सॉफ्टी हुआ, प्यू फॉर्म, सॉफ्टी फॉर्म इसको जो बोलते हैं। ये आपका सॉफ्टी फॉर्म हुआ। ये हाई रेजिलेंस फॉर्म से थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बैकअप सेम रहेगा लेकिन सॉफ्ट रहेगा ये। ये आपका रिबॉन फॉर्म है। ये रिबॉन फॉर्म बनता है प्यू फॉर्म का स्क्रैप से। प्यू फॉर्म का जितने भी स्क्रैप होते हैं उसको क्रश करके और कुछ केमिकल डालकर और हीट भाप देके ये बनाया जाता है। ये पूरा हार्ड होता है, सख्त होता है फुल। ये आपका तखत की तरह होगा, इसको रिबॉन्ड फॉर्मर बोलते हैं इसको। ये रिबॉन्ड फॉर्म ही है लेकिन रिबॉन्ड फॉर्म में ये सॉफ्टी है। रिबॉन्ड फॉर्म में भी अब जो है सॉफ्टी फॉर्म आता है बनकर। रिबॉन्ड का ही है प्रोसेस और ये सॉफ्टी फॉर्म है रिबॉन्ड में। ये आपका ईपी फॉर्म है, EPE एक्सपेंडेड पॉलीयुरेथेन फॉर्म। ये जो है बहुत हार्ड होता है और ये जो है आपको हम नॉर्मल भाषा में बताएं तो ये जो है प्लास्टिक के दाने से बनता है। ये बहुत सस्ता फॉर्म आता है। आपको हमने कई तरह का फॉर्म दिखाया है यहाँ पे, रिबॉन फॉर्म, मेमोरी फॉर्म, प्यू का सॉफ्टी, प्यू का HR और ईपी फॉर्म आपको दिखाया हमने। और एक जो है खास था इसमें कि रिबॉन्ड का सॉफ्टी फॉर्म भी दिखाया हमने आपको। ये सभी तरह के फॉर्म हैं। ये सभी जो मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और आपको जो है ये कैसा लगा वीडियो आप हमें बताएं। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो वो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी है, वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।